एनमिल का जब से आया पूरा माहौल बन गया कि भाई फिल्म बवाल है। डायरेक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये अब तक की सबसे वॉयलेंट फिल्म है, यानी हिंसक फिल्म जिसमें खूब खून खराबा होता है। दोस्तों, रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म का दमदार ट्रेलर देखने के बाद रणबीर कपूर के अलावा बॉबी देओल के किरदार को लेकर भी खूब बज बना हुआ था। उनके किरदार को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। किसी ने कहा कि वह फिल्म में एक गूंगे का किरदार निभा रहे हैं, तो किसी ने उन्हें नरभक्षी भी कहा। वहीं अब बॉबी देओल के किरदार से पर्दा उठ गया है, तो आइए जानते हैं संदीप रेड्डी वांगा की इस वायलेंट फिल्म में बॉबी देओल का काम कैसा रहा, जिसे देखकर बॉबी देओल के भाई सनी देओल के भी होश उड़ गए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अभी कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये कहानी है रणबीर कपूर की, जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा रणबीर से उतना प्यार नहीं करते। पापा पर हमला हो जाता है और फिर रणबीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना, और इसी मकसद पर यह फिल्म चलती है। कहानी सिंपल लग रही होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और ये देखने आपको थिएटर जाना होगा। हालांकि ये एक मसाला एंटरटेनर है जिसमें खूब सारे सीटी ताली वाले सीन हैं, काफी सारे मास एंटरटेनिंग सीन हैं। रणबीर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं और फिल्म खत्म होते होते ये साबित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉलीवुड के नए पापा हैं। रणबीर ने कमाल का काम किया है। उनका लुक भले संजय दत्त जैसा लग रहा हो, लेकिन जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस करते हैं। ये फिल्म रणबीर के करियर के लिए गेम चेंजर साबित होगी। लवर बॉय वाली इमेज अब बाय बाय हो जाएगी। रणबीर ने KGF के रॉकी भाई को भी तगड़ी टक्कर दे दी है और यहाँ वो उनके बिग ब्रो लग रहे हैं। बॉबी देओल ने कमाल का काम किया है, लेकिन उनके सीन कम है। वो इंटरवल के बाद आते हैं और फिल्म खत्म होने से पहले चले जाते हैं। ये तो धोखा हुआ ना, लेकिन उनका काम जबरदस्त है। रश्मिका मंदाना के किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्म में क्या ही काम, लेकिन रश्मिका का किरदार काफी अच्छे से डेवलप किया गया है और उनकी एक्टिंग भी जबरदस्त है। एक तरफ जहां रणबीर कपूर को पहले भोला भाला दिखाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल को दिखाकर मेकर्स कुछ ना कुछ सस्पेंस भी पैदा कर रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि रणबीर कपूर के अलावा बॉबी देओल पर भी सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। बता दें कि फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर के साथ ही रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति दिमरी इस फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म का डायरेक्शन संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, जो इससे पहले शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह और विजय देवरकोंडा के साथ अर्जुन रेड्डी बना चुके हैं। आपको बता दें कि रणवीर के लिए ये फिल्म काफी खास है, क्योंकि अभी तक उन्हें ऐसे वायलेंट रोल में कभी भी देखा नहीं गया है। ट्रेलर के बाद साफ हो गया था कि वह काफी डेंजरस अवतार में दर्शकों के सामने आएंगे। आपको बता दें कि पहले यह फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसी दिन गॉदर 2 और ओमजी 2 भी रिलीज होनी थी, इसीलिए क्लैश से बचने के लिए फिल्म की रिलीज डेट 1 दिसंबर को रख दी गई। ट्रेलर में रणबीर कपूर के साथ साथ बॉबी देओल के विलेन वाले किरदार को बेहद ही पसंद किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी ने अपनी ओर आकर्षित किया है तो वो बॉबी देओल ही है। बॉबी देओल जो एक लंबे समय से अपने खराब प्रदर्शन को लेकर खूब चर्चाओं में बने रहे, लेकिन अब उन्होंने अपनी दमदार वापसी के जरिए सभी को हैरान कर दिया है। यही बड़ी वजह है कि आश्रम वेब सीरीज के सुपर डुपर हिट हो जाने के बाद बॉबी देओल आने वाले समय में तमाम नेगेटिव किरदारों के जरिए लोगों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और रणबीर कपूर की फिल्म में भी बॉबी देओल का खूंखार लुक देखने के बाद सभी लोगों के मुंह से यही निकला कि रणबीर कपूर पर कहीं ना कहीं बॉबी देओल भारी पड़ रहे हैं। बॉबी देओल के बड़े भाई सनी देओल भी फिल्म को देखकर हैरान रह गए और वह अपने भाई बॉबी देओल की तारीफ करते हुए भी नहीं थक रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बॉबी देओल और सनी देओल एक दूसरे पर प्यार सोशल मीडिया के माध्यम से लुटाते रहते हैं। यही बड़ी वजह है जब एनिमल फिल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ, तो यहां पर सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एनिमल फिल्म के ट्रेलर को शेयर किया। साथ ही कैप्शन में लिखा, बॉबी कांट वेट टू सी यू इन एक्शन एनिमल मूवी। जाहिर तौर पर सनी देओल बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे बॉबी देओल को पर्दे पर देखने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि सनी देओल के बेटे करण देओल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर बॉबी देओल के प्रदर्शन की सराहना की और लिखा, अद्भुत प्रदर्शन बॉबी चाचा, आपने शो चुरा लिया, आपको बहुत प्यार करता हूं। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि बॉबी के फैंस भी बड़े पर्दे पर उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब उनकी जबरदस्त एक्टिंग देखकर हर कोई उनका फैन हो गया है। फिल्म एनिमल को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। पहली बार रणबीर कपूर इस तरह के अंदाज में दिख रहे हैं,
इससे पहले रणबीर कपूर फिल्म टू झूठी में मक्कार में नजर आए थे। कहा जा रहा था कि रणबीर कपूर की फिल्म में पहले परिणीति चोपड़ा को लीड रोल में साइन करने की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में खबर आई कि परिणीति नहीं बल्कि रश्मिका मंदाना इस फिल्म में लीड रोल करती नजर आएंगी। वहीं रणबीर कपूर के रोल के लिए पहले महेश बाबू को कास्ट किया जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह फिल्म रणबीर कपूर के खाते में चली गई। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आने वाली है। रश्मिका मंदाना अभी तक कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं और साउथ की एक बड़ी स्टार है और कुछ हिंदी फिल्मों में भी अपना जलवा बिखेर चुकी है, जिनमें मिशन मजनू और गुड बाय जैसी फिल्में शामिल हैं। वही आपको बता दें कि 1 दिसंबर को दो बड़ी फिल्मों ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है और ऐसे में दोनों को लेकर ही फैंस एक्साइट थे। एक और जहां विकी कौशल सेम बहादुर के साथ आए तो दूसरी ओर एनिमल में रणबीर कपूर को देख हर कोई दंग रह गया है। ट्रेड एनालिस्ट और सोशल मीडिया बज को देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर एनिमल सैम बहादुर पर भारी पड़ रही है। वैसे रिलीज से पहले ही एनिमल ने सैम बहादुर को मात दे दी थी और उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी। वहीं इससे पहले सैम बहादुर के ट्रेलर ने भी दर्शकों का दिल जीता था, लेकिन एनिमल आने के बाद अब दर्शकों को सैम बहादुर फीकी दिख रही है। दोनों फिल्मों के ट्रेलर व्यूज में भी बड़ा अंतर है। सैम बहादुर के YouTube ट्रेलर को अभी तक करीब 38 मिलियन व्यूज मिले हैं, जबकि एनिमल के ट्रेलर ने हिंदी वर्जन में ही सिर्फ 5 दिन में 72 मिलियन व्यूज बटोर लिए। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सैम बहादुर से हो रही है। सैम बहादुर का डायरेक्शन मेघना गुलजार ने किया है, जो इससे पहले तलवार, राजी और छपाक जैसी फिल्में बना चुकी है। फिल्म सैम बहादुर में विकी कौशल लीड रोल में है। फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको बता दें कि एनिमल की एडवांस बुकिंग 3 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई थी। वहीं सैम बहादुर 44 लाख रुपए की टिकट्स बेच पाई। विकी कौशल स्टार बहादुर में सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। ओपनिंग डे पर कमाई के मामले में एनिमल मीलों आगे है, लेकिन सैम बहादुर जिस जॉनर और फ्लेवर की फिल्म है, बहुत संभव है कि यह धीरे धीरे रफ्तार पकड़े। फिलहाल अनुमान यही है कि ओपनिंग डे पर सैम बहादुर 6 करोड़ रुपए के आसपास कमाई कर लेगी। इसके लिए भी इसे स्पॉट बुकिंग के भरोसे रहना होगा। आगे वीकेंड पर फिल्म की कमाई रफ्तार पकड़ सकती है। जहां तक एनिमल की बात है तो यह फिल्म भारत ही नहीं, रणबीर कपूर की एनिमल इंडिया के बाहर भी धूम मचा रही है। फिल्म की कहानी के साथ साथ सभी किरदारों की एक्टिंग को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा दिया। संदीप रेड्डी की ये तीसरी फिल्म है जो सुपरहिट साबित हो रही है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि पहले वीकेंड पर फिल्म का कलेक्शन देखने लायक होगा। यही नहीं, ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में भी बहुत आराम से पहुंच जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि रणबीर के फैंस वीकेंड पर सिनेमाघरों की कुर्सियां कितनी भरते हैं। आपको क्या लगता है, बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बाजी मारेगी और क्या एनिमल फिल्म शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।